ज़्यादा शर्म चढ़ा रखा है इसे। मम्मी पकवान बना के खिलाए जाते हैं पितरों को, यानी गाय को दिया जाता है। जैसे अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो रिमझिमा बारिश हो रही है, और जो रिमझिम बारिश होती है वो ठंडा करती है जो। तो चलो फिर दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं एक नए दिन की शुरुआत और एक नया और वीडियो। मेरा नाम है पूजा जोशी, उत्तराखंड के छोटे से शहर पिथौरागढ़ से बिलीव करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड क्या पूरे देश में अभी बारिश चल रही है, जैसे कि हमारे बाहर भी, हमारे भी कल रात से बारिश होए जा रही है और ठंडा इतना बढ़ गया कि सब ने स्वेटर निकाल रखा है, क्योंकि बारिश बहुत होते रह रही है, क्योंकि ऐसी हो रही है झिमझिम बोलते हैं, जैसे अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो रिमझिमा बारिश हो रही है, और जो रिमझिम बारिश होती है वो ठंडा करती है। जो तेज़ बारिश आती है वो तो सब बहा ले जाती है, लेकिन रात भर से गुनगुनी बारिश हो रही है, जिस वजह से एकदम बढ़िया ठंडा हो रखा है। आज है अमूस बोलो तो, आज रात का लास्ट दिन है। अमूस के दिन सभी पितर आए रहते हैं, तो जैसे कि अमूस के दिन सभी पितर आए रहते हैं, जितने भी इन श्राद्धों में पकवान बनते हैं, अमूस के दिन वो सारे पकवान बना के खिलाए जाते हैं पितरों को, यानी गाय को दिया जाता है। तो गाय को सभी चीज़ें हमने भी बना के दे दी, जैसे कि सेल, बड़े, पूरी, खीर, ये चीज़ें मेन होती हैं, तो ये चीज़ें बनवा के हमने भी दे दी। मम्मी दे आए गाय को, तो मम्मी ने ही बनाया था जो, जैसे कि देखी थी। फिलहाल अभी दोपहर की, मतलब सुबह के 10:30 हो गए हैं, तो अभी 11 बजने वाला है। हमारा खाना पीना नहीं हो रखा, अभी सिर्फ बना के सिर्फ गाय को दे रखा है पितरों को, तो ये सभी चीज़ें प्रसाद बना बुनो के दे रखा हमने। तो देखते हैं अभी क्या क्या होगा, चलो शुरू करते हैं आज के दिन की वीडियो। संडे की शुरुआत हो रही है घर की सफाई से, तो थोड़ी बहुत धूल जमी है, तो आज संडे में निक्की के पापा सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे टीवी के पीछे भी बहुत धूल लगी है, देखो साफ तो बीच में की थी मैंने, लेकिन फिर भी इतनी धूल लगी है ये, तो ये साफ करते हैं। निक्की भी बैठी साफ करने के लिए। नैनू भी आ गई है ढोलक लेके। आ नैनू ने नहाया नहीं है क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। हमने तो नहा रखा है, लेकिन नैनू ने नहीं नहला रखा अभी। उसने कपड़े भी चेंज नहीं कर रखे क्योंकि वो कह रही है अभी नहीं करती हूँ, तो ऐसे में ही है। अच्छा, क्या करूँ? अच्छा, आप कह रही है नैनू की अब बदलो कपड़े, वो करते हैं। तो आज है संडे, संडे में हमें आज थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं घर की सफाई, क्योंकि बारिश तो हो ही रखी है, बाहर जाने जैसे हो नहीं रखा, तो इसलिए घर में ही खाना पीना बना के घर में ही थोड़ी सी सफाई करते हैं, जितना होगा मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा खाना, पूरी, ये है पोहे, मतलब कि सूजी के बनाए जाते हैं, ये है मांस के बड़े, चटनी, भात और ये सब्जी। अभी खीर और सेल एल ये चीज़ें नहीं लाई हूँ मैं, क्योंकि हमारा पेट इससे भर जाएगा, उसे फिर बाद में खाते रहेंगे, तो अब इसे खा लेते हैं। निक्की भी यहाँ पे खा रही है, निक्की के पापा भी खा रहे हैं, चलो खा लेते हैं। बच्चों नैनू मैं सोई है, देखो कितनी अच्छी नींद आई इसको। निक्की आप बारिश में सोई थी, शाम के 4:30 हो गए हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अमूसी के दिन बारिश आए तो पितर नहा के जाते हैं, तो ऐसा ही सेम हो रखा है, क्योंकि कल रात से लगातार हो रही बारिश से अब जाके शाम के 5 बज रहे हैं, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, तो कल से नवरात्रि लग जाएंगी, यानी असोज का महीना लग रखा है। अगर कल बारिश नहीं हुई, अगर अच्छी खासी धूप निकली, जिन लोगों ने गाजर काटना होगा वो गाजर में हाथ डालेंगे, यानी थोड़ा सा काट के सुखाने के लिए रख देंगे, क्योंकि शुभ मुहूर्त मानते हैं नवरात्रि के दिन, फर्स्ट नवरात्रि के दिन हाथ डाल देते हैं, ताकि आप फिर उसके बाद कभी भी काट सकते हो। आप बारिश रुकेगी तभी हाथ डालेंगे काटने वाले, नहीं तो ऐसी बारिश में हाथ भी कैसे डालेंगे, क्योंकि आज श्राद्ध समाप्त हुए और पितर खा के मम्मी कहते थे हम लोग चले गए होंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे मम्मी लोग। तो खाना पीना जल्दी खा के, जल्दी बर्तन वर्तन धो के रखना पड़ता है, क्योंकि जल्दी खा पी के पितर भी जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर जाना होता है। तो सुबह ये काम करने के बाद, फिर उसके बाद बारिश आई थी, सभी लोग बैठे रहे, मम्मी अपनी बुनाई में लगे हैं, उसका
अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे बना रहे हैं क्या बना रहे हैं तो कमेंट करना, वो बनाऊंगी, नहीं तो फिर बड़ा बड़ा मैं आपको दिखाई दी हूँ। तो निक्की भी अभी हमारी सोई थी, उठ गई है। हमने की सुबह से इसने खाना नहीं खा रखा, इसको मैगी खानी है, तो इसके लिए आटा मैगी ला रखे हैं, तो नैनो आटा मैगी खाएगी। तो आटा मैगी बनाते हैं, फिर छत में देखेंगे क्या होगा। तो अभी बारिश रुक गई है, हमने सारे कपड़े धूप में डाल दिए क्योंकि थोड़े बहुत सूखेंगे, सुबह से बारिश ही बारिश थी। निक्की भी बैठी, हमने खरगोश भी बाहर निकाल रखे हैं आज, क्योंकि सुबह तो आज निकाले नहीं, नहीं तो हम सुबह और शाम निकालते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, छोटी बनाई क्योंकि दिन भर बारिश थी, कहाँ जाती क्या दिखाती कुछ समझ में नहीं आया। तो फिलहाल अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, हमारा खाने पीने की तैयारी है क्योंकि सुबह तो हमने बड़े बड़े खाए थे, आज बहुत ऑयली चीज़ें खा रखी हैं हमने, तो अभी हल्का फुल्का बनाते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं। नैनू भी जाएगी ना, तो नैनू बहुत छोटी छोटी चीज़ों में डर जाती है, ऊपर से इसे अगर हम फोन में लगे रहते हैं तो इसे भी फोन ही चाहिए होता है, तो हल्की हल्की चीज़ों में रोज आती है क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शर्म चढ़ा रखा है इसे। तो छोटी छोटी चीज़ों में डर जाती है, तो अभी ये वीडियो मैंने थोड़ी सी छोटी सी, थोड़ी क्या बहुत छोटी बना रखी है मैंने, क्योंकि दिन में मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्या बनाते हम खुद ही ठंडे से बैठे थे तो क्या ही दिखाती मैं आपको। मौसम अभी तो ठीक ठाक है, देखते हैं कल सुबह कैसा होता है। तो कल से नवरात्रि भी लग रही है, फाइनली हो सकता है 2 से 3 साल बाद हमारे यहाँ रामलीला भी होगी, क्योंकि कोरोना के बाद रामलीला नहीं हुई थी, तो इस बार 3 साल में रामलीला भी होगी। अगर जाएंगे तो दिखाएंगे, खैर मैं तो कम जाती हूँ, जाऊँगी तो दिखाऊंगी। 3 साल बाद फाइनली रामलीला भी देखने को मिलेगी, वही उमंग आएगी क्योंकि कोरोना काल में सभी चीज़ें बंद हो चुकी थी जो नहीं चली थी। तो अभी बाहर गाने लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि रामलीला होने वाली है, कल से होगी क्योंकि नवरात्रि के फर्स्ट नवरात्रि से रामलीला शुरू हो जाती है और दशमी के दिन लास्ट जितना भी होगा। अगर मैं तो जाऊँगी मुश्किल से ही, अब जो भी होगा मैं आपको दिखाऊँगी। तो निक्की अब भी पानी पी रही है, देखो बोतल से इसे, ये भी पानी बहुत सारा पीती है अपने पापा की तरह। तो यही कुछ है, उम्मीद करूंगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि वीडियो में नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।